ये है बोटानिकल गार्डन का मेन गेट। टिकट प्राइस वहाँ लिखी है 40 रुपीज लगती है पर पर्सन के लिए। खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है और इसे शब्दों में आपको अगर बयान करना होगा तो काफ़ी मुश्किल है। मेरा पीछे आप बैकड्रॉप देख रहे होंगे, यह काफ़ी खूबसूरत सा सीन है और मैं आपको बताता चलूं कि ये है बोटानिकल गार्डन ऊटी में, बहुत ही खूबसूरत है और इसकी शुरुआत हुई थी 1848 में और ये सी लेवल से 2200 मीटर ऊपर है। इमेजिन कीजिए कितनी ऊंचाई पर ये इस वक्त है हम, और पूरे ये 22 हेक्टर में फैला हुआ है। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, दीवाना कह लीजिए, शाहरुख खान स्टारर, या फिर राज की मूवी शूट कर लीजिए, या फिर बॉलीवुड की 90s की दौर के बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीनरी है, व्यू भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है यहाँ पर देखने का, मज़ा ही अलग है। तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम पूरी खूबसूरती को और आपको दिखाते चलेंगे बोटानिकल गार्डन ऊटी का। तो काफ़ी जब आप गेट से एंट्री करते हैं तो एक खूबसूरत सा मैदान या ग्राउंड आपका वेलकम करने के लिए रेडी रहता है और कुछ यादें आप अपने साथ लेके आते हैं, कुछ आप यहाँ बनाते हैं। हमेशा ये गार्डन एक अलग ही अंदाज में बिहेव करता है, खूबसूरत है। नेचर से जो प्यार करता है उसके लिए ये गार्डन एक स्वर्ग जैसा है। तो आइए बोटानिकल गार्डन खूबसूरत को एहसास करने के लिए, नेचर को एहसास करने के लिए, कुछ अपनी यादें बनाने के लिए, ज़िंदगी को एक नए राह में बदलने के लिए आइए बोटानिकल गार्डन। निर्माण किया गया था 1847 में और जो इसके आर्किटेक्ट थे उनका नाम था विलियम ग्राहम मैकवोल। और इस वक्त जब यह बना था तो इसमें एंट्री लेने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती थी और यह सिर्फ यूरोपियन लोगों को दिया जाता था, इंडियन को नहीं दिया जाता था। और इनके उनको 3 रुपया पर महीना ये उनसे मेंबरशिप की जो फीस थी वो ली जाती थी। तो आज आइए और खूबसूरत से इस गार्डन को एंजॉय कीजिए क्योंकि अब आपके लिए ये आज़ाद देश में आपको यहाँ पर वेलकम करने के लिए रेडी है। बहुत ही खूबसूरत है, यादों को सरोज कर रखने के लिए कुछ यादें बनाइए, कुछ अपने साथ लाती हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, एक अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। आइए बोटानिकल गार्डन ऊटी में। ये है बोटानिकल गार्डन का मेन गेट। टिकट प्राइस वहाँ लिखी है 40 रुपीज लगती है पर पर्सन के लिए। कैमरा है तो उसके लिए चार्जेज एक्स्ट्रा है और बहुत ज़्यादा लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया है गार्डन में, तो टाइम नहीं है हमारे पास, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है और हॉस्टल से सामान भी लेना है। तो निकल रहे हैं, लगभग 1 बजने वाला है और यहाँ से हॉस्टल की लगभग दूरी 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो मुझे लेना है बस। और अगर आप आ रहे हैं हॉस्टल या बस स्टैंड की तरफ से बोटानिकल गार्डन में तो बेस्ट है कि आप बस ले लीजिए, ऑटो वाला 100 रुपीज़ से कम चार्ज करेगा नहीं। तो मिनिमम जो चार्जेज है वो मीटर में बैठता है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ से नीचे वो चार्ज नहीं करेंगे, तो 100 रुपीज़ वो लेंगे, 100 रुपीज़ से कम का होगा नहीं। तो बेस्ट है आप बस ले लीजिए, 7 से 8 रुपये बस का लगती है और वो आपको छोड़ देगा सर्कल पे जहाँ से आपको 10 मिनट लगेंगे वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं। बाकी बोटानिकल गार्डन बहुत ही खूबसूरत है,
आपके पास अच्छा खासा अगर टाइम है तो दे सकते हैं वहाँ पर। हाफ एन आवर तो बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है बोटानिकल गार्डन है, उसको घूमने में भी टाइम लगता है। ये है खूबसूरत सा जोस्टल, देखिए जोस्टल है। उससे डरिएगा मत, उसका सीजर नाम है, नाम आपको बता दे रहा हूँ, सीजर नाम है, काटते नहीं है अलग है।